स्टूडेंट्स, इट्स मी मिस रानिया। टुडे इज आवर लेक्चर 1, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है हमारा द वर्ल्ड अराउंड अस। वर्किंग है हमारी, यहां पे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी, थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर और वर्ड लिंक। वैसे तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था चैप्टर, फिर आप आपको थोड़ा सा बता देती हूं उस चैप्टर के बारे में, हमारे टॉपिक के बारे में। तो मैंने आपको समझाया था विलेज मतलब गांव, गांव में खेत होते हैं और सिटीज में जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े स्कूल, इस तरह से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, मैंने आपको अपने दुनिया के बारे में बताया था। ठीक है, होप आप लोगों को याद होगा। चलिए हम अपनी वर्ड्स भी करेंगे। वर्ड्स भी देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने जो वर्ड मैंने ब्लू से करी हुई है वो आप ब्लू कलर पेंसिल से करेंगे, जो मैंने वर्डिंग ब्लैक से करी हुई है वो आप लोग पेंसिल से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह लाइंस ड्रॉ करके प्रॉपर वर्ड लाइन पे फॉर्मेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा नीट एंड क्लीन वर्ड होना चाहिए। तो हम वर्ड्स यही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना टाइटल पेज बनाएंगे, द वर्ल्ड अराउंड अस का टाइटल पेज बनाने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग डालेंगे। इसी तरह से बिल्कुल वर्डिंग होगी जिस तरह मेंशन है, मैं आप लोग को रीड कर देती हूँ। नंबर 1, प्लांट, पी एल ए एन टी, प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पौधे। नंबर 2, विलेज, वी आई एल एल ए जी ई, विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। नंबर 3, माउंटेन, एम ओ यू एन टी ए आई एन, माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। नंबर 4, फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। नंबर 5, रिवर, आर आई वी ई आर, रिवर। रिवर कहते हैं दरिया को, रिवर का मतलब होता है दरिया। नंबर 6, लेक, एल ए के ई, लेक। लेक का मतलब होता है झील। ये आप लोग की वर्ड्स मीनिंग मैं दोबारा रीड कर देती हूँ। प्लांट, पौधे, विलेज, गांव, माउंटेन, पहाड़, फॉरेस्ट, जंगल, रिवर, दरिया, लेक, झील। इसी तरह प्रॉपर वर्क करना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। इसके अलावा जिस तरह मैंने वर्किंग करी है उसी तरह करना है आप लोगों ने, यहाँ से बोर्ड से देख के वर्किंग करनी है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज करें और वर्किंग करें। मैंने पहले ही बता दिया था, फर्स्ट सबसे पहले आप लोग टाइटल पेज बनाएंगे द वर्ल्ड अराउंड अस का, उसके बाद आप लोग वर्ड्स मीनिंग करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने वर्किंग करी इसी तरह बिल्कुल वर्किंग होगी। इसके अलावा बेटा कॉपीज चेक करवानी होंगी आप लोगों को, टाइम की जो डेट दी जाए उसमें कॉपीज चेक करवाएंगे आप लोग, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम आपकी अटेंडेंस लगा सके कि आपने क्लास अटेंड की है। इसके अलावा इसके आपके 5 मार्क्स जो है वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में इंक्लूड होंगे, जो कि आपको हाफ ईयरली पेपर्स जब होंगे तो उनमें आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे आपकी अटेंडेंस की। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।